हमें दो इंग्रेडिएंट एक ऐसे इंग्रेडिएंट चाहिए जिसमें हाई कार्बनस हो और एक ऐसे इंग्रेडिएंट जिसमें हायर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन हो ये दो चाहिए जो हायर कार्बन कंटेंट होगा वो किस्म होगा हो ड्राई स्ट्रॉ टाइप मटेरियल स्ट्रॉ लाइक टाइप मटेरियल्स में आपके पास कार्बन होंगे जैसे कि सीरियल स्ट्रॉस हो गए ऑटम्स लीव्स जो गज़ा एक मौसम का नाम है उसमें जो लीव्स आपके पास होते हैं उसमें भी आपके पास क्या होते हैं ये कार्बन के कॉन्टेंट होते हैं साडस्ट एंड वुड चिप्स साइड मतलब आरी से जो आप लकड़ी वगैरह काटते हो उससे जो डस्ट वगैरह निकलते हैं आपको वो चाहिए और वुड चिप्स चाहिए कुछ पेपर और कार्डबोर्ड वगैरह ये तमाम तर चाहिए ये कंपोस्टिंग में इन चीज़ों का होना जरूरी है ये तमाम तर चीज़ें इसमें क्या होते हैं कार्बन वगैरह ज़्यादा अमाउंट में होते हैं नेक्स्ट हायर नाइट्रोजन ग्रीन प्लांट्स मटेरियल सच एज क्रॉप रिसाइड्स आपको नाइट्रोजन में क्या होना है ग्रीन प्लांट्स चाहिए ग्रास क्लिपिंग्स वीड्स वगैरह चाहिए एनिमल मिनवर्स एनिमल के वेस्ट वगैरह चाहिए जैसे कि वेजिटेरियन हॉर्स मिन तमाम तर चीज़ें आपको चाहिए फ्रूट एंड वेजिटेबल ट्रिमिंग्स सी वीड्स यूज कॉफ़ी ग्राउंडस ये तमाम तर चीज़ें आपको चाहिए इसमें नाइट्रोजन होते हैं तो ये दो चीज़ें मिलकर आपके पास कंपोस्टिंग में बहुत ज़्यादा अहम इसकी ज़रूरत पड़ती है ये कम्पोस्टिंग के मटेरियल है नेक्स्ट आपके पास है मैकेनिज्म ऑफ कंपोस्टिंग क्या तरीकेकार है इट so, इस अ बयोकेमिकल प्रोसेस इन विच एरोबिक एंड एन एरोबिक माइक्रो आर्गेजम डिकम्पोज ऑर्गेनिक मे इंटू व्यूएबल मेनवर कार्ड कम्पोस्ट हो तो इसमें आपके पास एरोबिक और एन एरोबिक कंडीशन होते हैं जिसमें ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया जो कि एरोबिक और एन अरोबिक कंडीशन मतलब उस पर सर्वाइव करे और उसके वजह से जितने भी आपके पास विलियेबल मेनवर होंगे वो आप इस्तेमाल करेंगे इसको हम क्या कहते हैं कंपोस्ट वगैरह है। या तमाम कंपोस्ट वगैरह कहलाते हैं कंपोस्ट के थ्री फेसेस है एक को मिजोफेलिक फेस कहेंगे जिसमें आपके पास वो बैक्टीरिया या वो माइक्रो एगेनिजम होंगे जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पर ग्रो करेंगे जैके जैसे कि 10 से 30 सेंटीग्रेड था थर्मोफेलिक जो कि 50 सेंटीग्रेड पर ग्रो करेंगे मैचुरेशन फेज जो कि 70 सेंटीग्रेड पर ये चले जाते हैं तो ये तमाम तरह थ्री फेजिज ऑफ कंपोस्टिंग होते हैं फिर नेक्स्ट आपके पास है फेस ऑफ कंपोस्टिंग पहला फेस आपके पास इनिशियल डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय मेजोफेलिक पहला फेस Initial decomposition is carried out by mesophilic. फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास यानी क्या होता है डिकम्पोजिशन जो होता है वो आपके पास मेजोफेलिक स्टेज में होता है ठीक है नेक्स्ट आपके पास होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिजमी ब्रेक डाउन द दिग्रेड डिग्रेडेबल कंपाउंड इसमें आपके पास ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि कम टेम्परेचर पर ग्रो करते हैं जैसे कि दस से तीस सेंटिग्रेड या नॉर्मल टेम्परेचर पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आप डेथ चीज पर अप्लाई करेंगे और एरोबिक uh, एंड

तो टेम्परेचर अगर पचपन से अब चला जाए तो दूसरे और माइक्रो आर्गेजम जिसको हम कहते कहते हैं हैं वो आ जाते हैं और वो जैसे कि आपके पास ह्यूमन पैथोजेनिक वगैरह हो गए प्लांट पैथोजेनिक वो, वो क्या हो जाते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं आर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द थर्मोफिलिक फेज हाई टेम्परेचर एक्सेलरेट थर्मोफिलिक स्टेज में ज्यादा टेम्परेचर आपके पास यानी क्रिएट हो जाता है द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन फैट्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लाइक सेल्योलोस एंड हेमी सेलोलोज द मेजर स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल इन द प्लांट्स तो जितने भी कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होंगे जैसे कि आपके पास फैट्स हो गए आपके पास फैट्स हो गए आपके पास प्रोटीन्स हो गए कार्बोहाइड्रेट्स हेमी सेलोलोज ये तमाम तरह मॉलिक्यूल जो इसकी डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाती है जो कि इस गंद के ढेर में होते हैं टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीज एंड मेजोफेलिक माइक्रो आर्गेनिजम्स वंस अगेन टेक आवर फॉर द फाइनल फेज ऑफ क्यूरिंग और मेचोरेशन ऑफ द रिमेनिंग ऑर्गेनिक मेथड तो फिर टेम्परेचर कम होता है जैसे टेम्परेचर कम होता है तो दोबारा मेज़ोफेलिक आ जाते हैं मेजोफेलिक जिसे आ जाता है तो वो तमाम तर जितने थोड़े बहुत गंद रहते हैं ना उस में खुशबू ये जो बदबू सॉरी बदबू अगैर होता है वह आसा आता ख़त्म हो जाते हैं और वो जो वेस्ट होता है वह आसा आ उसका टेम्परेचर भी कम हो जाता है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने की तरफ चला जाता है सही अच्छा जी फिर हमारे पास है कंपोस्टिंग का प्रोसेस अच्छा जी सबसे पहले आप क्या करेंगे सबसे पहले कलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ द फीड स्टॉक ठीक है रॉ ऑर्गेनिक मैटर दैट इज बीइंग टर्न इनटू कंपोस्ट इज कॉल्ड फीड स्टॉक जो रॉ मटेरियल्स होते हैं रॉ ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं वो जब आप कंपोस्टिंग से गुजारते हैं उसके बाद जो आपके पास जो प्रोडक्ट मिल जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं फूड स्टॉक कहते हैं वो बन गया इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज वेराटी ऑफ मटीरियल मुख्तलिफ मटीरियल में आप इसको इस्तेमाल करते हैं सिंस न्यूट्रंस कॉटेन ऑफ द कंपोस्ट मेड फॉम अ सिंगल मटीरियल तो कंपोस्टिंग के जितने भी आपके पास न्यूट्रंस होंगे वो आपके पास सिंगल मटेरियल से बन जाएंगे ठीक है इस फीट स्टॉक की वजह से इज अनलाइकली टू बी बैलेंस्ड और हैव कार्बन नाइट्रोजन तो इसमें कार्बन और नाइट्रोजन के रेशो वगैरह भी होंगे कंपोस्ट में ये देखो आप वुड वगैरह ये तमाम चीज़ें आप ऐड कर दें लेकिन जैसे फीड स्टॉक आपके पास बन जाता है तो आपको ये तमाम तर चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती ठीक है ना जैसे कि अभी हमने पिछले स्लाइड में पढ़े फेवरेबल टू डिकम्पोज ऑर्गेनिज्म और इसी तरह का कार्बन और नाइट्रोजन जैसे आपके पास होंगे तो वो डिकम्पोजिशन का अमल कर लेंगे द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट इज कम्पोस्ट इज़ एनिमल मिनवर जो कि आपके पास दूसरा जो इम्पोर्टेंट इन्ग्रीडियंट है जिसमें कंपोस्टिंग होती है वो आपके पास है एनिमल का मिनवर वगैरह इन्ग्रीडियंट्स अच्छे स्ट्रॉ, कॉटन थ्रश, स्वाडस्ट एंड इवन वुड चिप्स प्रोवाइड अ सब्सिडेट फॉर सेल्युलेटिक माइक्रो आर्गेनिजम टू फंक्शन अच्छा जी इसके अलावा आपके पास दूसरे इन्ग्रीडियंट जैसे कि स्ट्रा कॉटन त्रश हो गया स्वाड हो गया सा डस्ट हो गया इवन यहाँ तक कि वुड चिप्स ये तमाम चीज़ें एक सबस्ट्रेट के तौर पर काम करते हैं, ठीक है ना और ये क्या करते हैं के तौर पर काम करते हैं और ये आपके पास टू फंक्शन ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना फंक्शन अदा करें नेक्स्ट इट इज इंपोर्टेंट टू डिक्रीज पार्टिकुलर पार्टिकल साइज सो दैट द सर्फेस एरिया फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू कंज्यूम एंडिकम्पोजिशन इज इंक्रीज ये आपके पास पार्टिकल के साइज को क्या करता है जितने बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं तो उसके साइज़ को ये कम कर लेते हैं पार्टिकल्स यहाँ पर मतलब एक जो त्रस्ट होते हैं ज़्यादा घंट के घर डेरे होते हैं तो वह आहता कम हो जाते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास कहते हैं सो दैट द सर्फेस एरिया फॉर द माइक्रो ऑर्गेन टू कंज्यूम एंड एक कंपोजिशन इज इंक्रीज तो माइक्रो आर्गेनिज्म के जो सर्फेस एरिया होगा वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा फाइनली मिनरल्स कैन बी एडिड मिनरल्स को आप एड करते हैं टू द पाइल टू बैलेंस एसेंशियल प्लांट्स न्यूट्रंस तो मिनरल्स वगैरह को आप एड करेंगे पाइल्स पाइल्स कहते हैं गंद के ढेर को ढेर पर आप ऐड करेंगे जिसके वजह से प्लांट्स के न्यूट्रंस जिसकी वजह से प्लांट्स के तमाम तरह न्यूट्रंस आपके पास बन जाएंगे नेक्स्ट आपके पास कंपोस्टिंग प्रोसेस कंपोस्ट एरिया प्रिपरेशन एंड सिलेक्शन अब ये आपके पास फीड स्टॉक हो गए उसके कुछ बातें हमने कर ली है ठीक है अब फीड स्टॉक तो आपके पास हो गया नेक्स्ट आप, आपके पास एक कंपोस्ट का एक एरिया प्रिपेयर करना और एक सिलेक्शन करना और उस एरिया पर कुछ ख़ास किस्म के बातें लिखना जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं देखो लिखे गए तो हैं ठीक है तो ये तमाम तर चीज़ें आपको नहायत जरूरी है ठीक है कंपोस्ट एरिया ओनली प्लीज स्टॉप और ये तमाम तर चीज़ें यहाँ पर लिखे होते हैं तो ये तमाम तर चीज़ें आपको चाहिए चूज अ शेडेड एंड वेल ड्रेन एरिया एक ऐसा एरिया जहाँ पर परचई हो ठीक है ना सूरज वगैरह ना हो वो एरिया आपको चाहिए वेल ड्रेनड एरिया जो कि ज़्यादातर उस वहाँ पर ड्रेनिंग वगैरह भी हो हो जाती है यानी कुदाई वगैरह ठीक है नेक्स्ट आपके पास है कंपोस्टिंग प्रोसेस फार्मिंग पाइल्स अब आप ढेर बनाएंगे ये आप डेग्राम देख सकते हैं पाइल्स के ठीक है ये आपके पास पाइल्स है अच्छा जी ये किस तरह बनाएंगे एरोबिक कंपोस्टिंग मेथड रिक्वायर्ड द फीड स्टॉक रिसीव एडवोकेट एयर एंड मॉइस्चर देखो आपको एरोबिक कंपोस्टिंग करना होगा यानी कंपोस्टिंग में से हवा का गुजारना होगा अच्छा जे जब आप हवा को गुजारेंगे तो फीड स्टॉक आप अप्लाई कर लेंगे फीड स्टॉक इस गन के डेर पर जैसे आप अप्लाई कर लेंगे तो इसके वजह से हवा और मॉइस्चर दोनों इक्वल अमाउंट में आएंगे

या उसके आउटर सरफेस पर रखें गन के ढेर है ड्राई मटेरियल है तो बॉटम पे, टॉप पर और उसके आउटसाइड पर ये ड्राई मटेरियल रखना होगा जब आप कंपोस्टिंग का अमल इस वेस्ट मटेरियल पर करना चाहते हैं इसके अलावा एज द पाइल इज टन द कंपोस्ट बिकम मोर होमोजीन जैसे आप ये अमल करते हैं पाइल्स पर तो आपके पास कंपोस्टिंग मजीद और भी तेज हो जाते हैं एंड द डिफरेंट लेयर लेस डिस्टिंग और जितने भी लेयर्स होते हैं वो कम डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे क्योंकि उसके इर्द गिर्द ड्राई होगा तो ड्राई की वजह से वो लेयर्स जितने भी लेयर्स होंगे उसमें सॉलिड लिक्विड का पता नहीं चलेगा तो कम से कम आपके पास डिफ्रेंशिएशन होगी जिसकी वजह से कंपोस्टिंग का अमल तेजी से हो जाएगा नेक्स्ट आपके पास एक कंपोस्ट फिर आपके पास चौथा स्टेप है इसमें मेनटेन ऑप्टिमम कंडीशन मोस्ट क्रिटिकल कंडीशन आर एयर मॉइस्चर एंड टेम्परेचर ये एक ख़ास अमाउंट में आप एयर टम्परेचर और मोइस्चर देंगे मोस्ट फी स्टोक कंटेट सम डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिज्म फी स्टोक में आपके पास कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डिकम्पोजिशन का अमल करते हैं इंट्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन एक्सेलरेट डिकम्पोजिशन प्रोसेस जितने भी माइक्रो आर्गेनिज्म इसमें पाए जाते हैं वो डिकम्पोजिशन के प्रोसेस को एक्सेलरेट करते हैं द कंपोस्ट मस्ट बी मॉइस्ट बट नॉट वाटर लोज्ड कम्पोस्ट को मॉइस्ट होना चाहिए लेकिन हर किस यह मतलब नहीं है कि उसमें पानी इतना हो कि वो तमाम तर गंद के ढेर बह जाए इतना पानी नहीं होना चाहिए ठीक है नेक्स्ट आपके पास ड्यूरिंग रेनी सीजन कम्पोस्ट पाइल्स मे नीड टू कवर टू कीप देम फ्रॉम बिकम वाटर लोड तो रेनी के सीजन में क्या होता है कंपोस्टिंग का अमल जब होता है ना तो पाइल्स जो है वो इन वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बजाय ये कि तमाम पानी बह जाए पानी में ये कंपो ये गंद वगैरह बह जाए लेकिन कंपोस्टिंग के प्रोसेस के दौरान जैसे ही बारिश होता है तो ये उसको कैच कर लेता है और वाटर लॉग्ड यानी पानी के बह जाने और वाटर लॉक का मतलब है कि पानी में जो गंद के ढेर बहते हैं उसको वाटर लॉग्ड कहते हैं तो वो आपके पास प्रिवेंट हो जाता है बच जाता है नेक्स्ट सम्मेटा टन द कम्पोस्ट इन फोर्टीन टू ट्वेंटी वन डेज कुछ ऐसे तरीके भी होते हैं जिसकी वजह से कंपोस्टिंग आपके पास चौदह से इक्कीस डेज में भी होते हैं ठीक है नेक्स्ट आपके पास है टर्निंग एवरी वीक टू टेन डेज विल यूजुअली प्रोड्यूस बाज़ात हफ्ते या दस दिन में भी होता है यूजली प्रोड्यूस फिनिश्ड कंपोस्ट इन टू फोर टू सिक्स वीक बाजू का चार से छह हफ्तों में भी होता है डिपेंडिंग अपॉन ऑन टेंचर अगर टेम्परेचर जितना होगा उतना ही आपके टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ज्यादा कंपोस्टिंग कम होगा तो कम कंपोस्टिंग टेम्परेचर का होना नित जरूरी है कंपोस्टिंग अच्छा जी नेक्स्ट आपके पास पैरामीटर इन कंपोस्टिंग ये तमाम तरह चीज़ें तो हम वैसे ही पढ़ चुके हैं कार्बन और नाइट्रोजन का रेशो 30 से 1 आइडियल मॉइस्चर 50 से 60 परसेंट पी एच सिक्स टू एट टेम्परेचर फिफ्टी फाइव टू सेवेंटी फाइव सेंटीग्रेड तर्मोफैलिक रेंज होता है ऑक्सीजन अवेबिलिटी फाइव से फिफ्टीन आपके पास ऑक्सीजन चाहिए नेक्स्ट फिर आपके पास है कंपोस्टिंग प्रोसेस लास्ट आपके पास है फिनिश्ड कंपोस्ट अब आखिर में आपके पास कंपोस्ट खत्म हो जाता है आखिर में किस तरह कंपोस्ट खत्म होता है देखिएगा फिनिश कंपोस्ट शुड कूल बैक डाउन टू एम्बेंट एयर टेम्परेचर आस्ते आस्ते ये कूल डाउन होता है एक खास टेम्परेचर पर पहुँच जाता है जो कि 10 पंद्रह टेम्परेचर पर चले जाते हैं इट शुड बी डार्क एंड मॉइस्ट विद रिच अर्थी स्मेल या आता डार्क स्माल और अर्थ स्मेल इसका हो जाता है ये देखो हाथ में पकड़ो ये देखो आप इस तस्वीर में यह आपके पास आप कंपोस्ट तैयार होगा ठीक है अच्छा जी वो द रिच अर्थ स्मेल अब इसको जब आप स्मेल कहो तो ज़मीन के तरह इसकी खुशबू होगी द टेक्स्चर शुड बी फ्रीली लूज एंड होमोजीनियस ये जो टेक्स्चर इसका जो कलर जो ये जो साइज स्ट्रक्चर वगैरह या जो इसको हम टेक्स्चर के थे ये वगैरह जो है इसका शुड भी फ्रीली लूजली लूज वगैरह होंगे एंड होमोजीनीस वगैरह होगा विद द इंग्रेडिएंट थ्रूली ली डिकम्पोस्ड इसी तरह जितने भी आपके पास इंग्रेडिएंट होंगे अब ये कंपोस्ट प्रोडक्ट है अब इसको जब आप अप्लाई करेंगे दूसरी चीज़ों पर तो क्या हो जाएंगे वो ख़त्म हो जाएंगे विद द इंग्रेडिएंट थ्रूली डिकम अच्छा जी आफ्टर द पाइल हैज़ कुक्ड और रोस्टेड पाइल का मतलब ये है कि जो गन का ढेर कुक्ड का मतलब ये नहीं है कि वो पक जाते नहीं जब ये टेम्परेचर से गुजरते तो ये क्या हो जाते आहते आहते डिग्रेड हो जाते या द कम्पोस्ट कैन बी स्प्रेड इन टू क्रॉपिंग एरिया तो अब आप ये जो हाथ में इसने पकड़ा है ये वाला देखो हाथ में पकड़ा है अब इसको आप क्या करेंगे इसको आप सॉयल पर स्प्रेड कर ले लोडिंग रेट्स डिपेंड ऑन एग्जिस्टिंग सॉइल न्यूट्रेंट्स जो जितना आप सॉइल के रेट पे डिपेंड कर जितना सॉइल होगा उतना आप उसको लोड करते रहेंगे सोईल स्ट्रक्चर बींग ग्राउन एंड प्रीवियस क्रॉप्स ग्रोन इसी तरह क्रॉप्स वगैरह ग्रो स्टार्ट हो जाते हैं अनलाइक द सिथेटिक फर्टिलाइजर और रॉ मिनवर बजाइए कि आप सिंथेटिक फर्टिलाइजर या रॉ मिनवर का इस्तेमाल करें दियर इज अ लिटल चांस डेट कंपोस्ट विल बर्न क्रॉप्स तो आपके पास कम कम्पोस्टिंग होगा और आपके पास ज़्यादा क्रॉप्स होंगे बजाइए कि आप मिनवर ज़्यादा मिनवरस और ये गंद वगैरह इसके तो आप कंपोस्टिंग अगर इस्तेमाल करें तो आपके पास कम वगैरह सब कुछ होंगे तो ये बहुत ज़रूरी है